Assalamualaikum, welcome from Ore, north of Sweden. आज हम लोग 9 बजे ओरे चेयर लिफ्ट के ऊपर पहुंच गए हैं. कल हम 1 बजे पहुंचे थे तो इतना ज़्यादा रश था इधर के, मतलब लाइन टिकट लेने की जो बारी थी ना वो 1 घंटे के बाद आनी थी. तो हम लोग नॉर्वे चले गए थे जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है. तो आज हम 9 बजे पहुंच गए तो देखो कोई बंदा नहीं है, इतने ज़्यादा लोग हैं ही नहीं. शायद गिनती के 10 से 15 लोग हैं. तो हम लोग पहले ही, जैसे ही 9:15 बजे लिफ्ट चलेगी और हम पहले जो पहली लिफ्ट होगी उससे ही ऊपर चले जाएंगे. इसलिए हमने सोचा कि हाँ जल्दी आते हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम ऊपर गुजारें, ना कि अपने जो स्तुगा लिया वहाँ हम लोग ऐसी टाइम वेस्ट करते रहें. तो आज मलक साहब ने जौन सा हमें जल्दी सुबह सुबह उठा दिया था तो हम रेडी होके 9 बजे पहुँच गए. देखें पार्किंग भी बिल्कुल खाली है. कल 1 घंटा तो हम लोग पार्किंग ढूंढते रहे इस जगह पे. आज तो बेशक इधर ट्रक खड़े कर दो ना, कोई टेंशन नहीं है. तो बस लिफ्ट खुलने वाली है तो ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर से पूरे का व्यू. अच्छा अच्छा एंटर होते हुए ये इस तरह का QR कोड आता है जो बस आपने जो सा स्कैन करना और एंटर हो जाना. केबल कार का कंडक्टर कह रहा था कि रास्ते में हमें रुकना है तो डरना नहीं है, ये ना समझो कि क्या ख़राब हो गई है. टोटल हाइट जो है वो 1420 मीटर है. जो लिफ्ट है हमें 1274 मीटर तक तो वो हमें लिफ्ट ही ले आई है. बाकी जो रिमेनिंग 200 मीटर 150 मीटर जो है वो हम लोग हाइकिंग करेंगे. ये वाला जो पॉइंट है, इधर व्यू पॉइंट है, यहाँ लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं. हम लोग भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं इस तरह. ये जो ये जगह है ये रनवे है पैराग्लाइडिंग की. अभी कोई पैराग्लाइडर नहीं है. अभी 1 मिनट पहले किसी पैराग्लाइडर ने छलांग लगाई है, हम लोगों ने वो मिस कर दिया. और जैसे ही अब कोई और छलांग मारता है तो उसको भी देखते हैं कि क्या सीन है उसका. ये शूज़ क्यों नहीं पाए तुसा? नहीं, जब ये तो थोड़ी सी थी, इसके लिए शूज़ की जरूरत थी. फिर भी कंफर्टेबल रहता है. लो जी 100 मीटर और रह गया. आओ जी, वो सामने जो ऊपर एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है उधर जाना है हाइकिंग करते हुए. मेरा ख्याल है कि अच्छा वो उतर तक है. मेरा ख्याल है शायद 100 मीटर और होगा. वो भी रेस्टोरेंट, बाकी सारे नीचे रह गए हैं. कहते हैं जी हमने ने वो ऊपर नहीं जाना. मैं कहा यार अब आए हैं तो बंदा ऊपर तो जाए ना. क्या जल्दी जल्दी डाली हुई है. इतना दूर नहीं है, शायद डिस्टेंस शायद ज़्यादा हो लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं है. इजाज़ भाई उधर से आप, मैंने देख लिया इजाज़ भाई भी आ रहे हैं. इजाज़ भाई एक बंदे ने हिम्मत करके ऊपर आ गया, बाकी उधर ही हैं. ट्रैक मैंने गलत पकड़ लिया, इस तरफ से कोई भी नहीं जा रहा, वो मेन ट्रैक है. इजाज़ भाई ये जा रहे हैं और अगर लोग नज़र आ रहे हो तो ये पूरे ये ट्रैक ऊपर को जाता है. इस तरफ से जो मैंने ट्रैक पकड़ा ये गलत है. अभी मैं इस तरह करता हूँ कि उनको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से मारता हूँ शॉर्टकट, होपफुली जो है ना मुझे कोई ना कुछ मिल जाएगा. थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने गलत पकड़ लिया ट्रैक, लेकिन आगे से मैं मिलता हूँ उनको. साल का काफ़ी टाइम इधर क्योंकि स्नो होती है तो पानी होता है, तो पानी की वजह से जो पत्थर हैं इनके ऊपर काई जमी हुई है, ग्रीन कलर के हुए हुए नज़र आ रहे होंगे. जिस ट्रैक पे मैं आ रहा था उसका सीन इस तरह है कि वो पहले मैं उस पहाड़ी से आ रहा था, वहाँ पहुँचा हूँ, फिर वहाँ से नीचे उतरा हूँ और नीचे उतरने के बाद अब मैं दोबारा
जो मेन ट्रैक है इनका जहाँ सब लोग जा रहे हैं, मैं अब उसको फॉलो करता हूँ, शॉर्टकट मार रहा हूँ माउंटेन्स के अंदर। जो मेन ट्रैक है, जो मेन ट्रैक है वहाँ नंबरिंग और निशान लगाए हुए हैं, ये देखे ना एरो का निशान, इजी बनाया हुआ ट्रैकिंग को, के लोगों को पता चले ट्रैक करते रहें कि हाँ किस तरफ जाना है। छोटी सी ऊपर झील भी बनी हुई है, झील सी बन गई है क्योंकि पानी यहीं रह गया, नीचे नहीं गया, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और चोटी भी आ गई और सूरज भी फुल टाइम चमकने लग गया। इजाज़ भाई ने फुल मोटिवेशन के साथ ऊपर जा रहे हैं, ये देखें पीछे 8 लोगों में से 2 ही ऊपर जा रहे हैं, बाकी 6 जौन से हैं वो रुक गए हैं रास्ते में ही, मे भी कोई आए, लेकिन चांस मुश्किल ही है। आखिरी 10 मीटर इजाज भाई हाइकिंग करते हुए पहुंच गए। ओ तोड़ी खैर, इन सब लोगों ने सबमिट किया हुआ है, नीचे से हमारे साथ केबल कार पे ही आए थे, मुझे भी बहुत सांस चढ़ गया। शूज़ वगैरह भी इतने अच्छे नहीं है, और ये है वो कैफे। सर तू पीमा के चाह क्या कैफे, सबमिट कर लिया हम लोगों ने। और जो हमारे पीछे है स्वीडन का सबसे ऊंचा कैफेटेरिया, यहाँ वेफर मिलते हैं और कॉफ़ी मिलती है, यहाँ से वेफर और कॉफ़ी पीते हैं स्वीडन के सबसे ऊंचे कैफेटेरिया से। चालीस मिनट ऊपर गुजारने के बाद हम अब नीचे जा रहे हैं, थोड़ी तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, ड्रोन उड़ाया और थोड़ा व्यू एंजॉय किया है। तो अब प्लान यही है कि नीचे जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। ये थोड़ी सी स्टार्ट में थोड़ी स्टीप है, जूते भी मेरे इतने अच्छे नहीं हैं यार, ट्रैकिंग वाले जूते नहीं है, मैं सैंडल पहन के ऊपर आया हूँ।
अच्छा केबल कार जो है वो 4 बजे तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अगर जो लोग ऊपर हैं तो उनको फिर खुद ही नीचे आना पड़ेगा। नीचे आना इतना मुश्किल नहीं है जितना ऊपर की तरफ जाना है। लोग अभी भी जा रहे हैं, इजाज़ भाई स्पीडो स्पीड जो सा तकरीबन मेरे से आप कह लें कि 50 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं। रास्ता देखना पड़ता है कि कभी सम टाइम तो ऐसी स्टीप आ जाती है, थोड़ा सा फिर डी ट्रैक हो गया, इस तरफ है ट्रैक। केबल कार नीचे आते हुए 10 से 15 मिनट हो जाती है, 15 मिनट आप मैक्सिमम कह लें। एक बज चुका है, नीचे पहुंच गए और प्लान यही है कि अभी हम निकलते हैं यावले की तरफ। अगर रास्ते में बस एक जगह हमने रुक के खाना खाना है, उसके बाद टप टप वापस। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा आप।